आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों की प्रदेश में हलचल अब तेज हो गई है, तो वहीं अब दल बदल का खेल भी पूरे सूबे में सियासी सरगर्मियों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार को बड़ी हलचल हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमल का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। अब आइए एक नजर डालते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ में हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री हासिल की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 विधायक चुने गए, 5 कैबिनेट मंत्री बने, यूपी विधानसभा से 3 नेता प्रतिपक्ष चुने गए। मौर्य ने 1980 में राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। इलाहाबाद युवा योग दल के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। जून 1981 से सन 1989 तक महामंत्री पद पर रहे। 1989 से सन 1991 तक यूपी लोक दल के मुख्य सचिव रहे। मौर्य 1991 से 1995 तक उत्तर प्रदेश जनता दल के महासचिव पद पर रहे। 2 जनवरी 1996 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा की सदस्यता ली। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के प्रदेश महासचिव बने। 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के टिकट पर डलमऊ रायबरेली से विधानसभा सदस्य बने और 4 विधायक बने। मौर्य ने 2009 में पडरौना विधानसभा उपचुनाव जीता। पडरौना उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह की मां को हराया। मई 2002 से अगस्त 2003 तक उन्हें मंत्री का दर्जा मिला। अगस्त 2003 से सितंबर 2003 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। जनवरी 2008 में उन्हें बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2012 में मिली हार के बाद मायावती ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया। मायावती ने मौर्य की जगह रामाचल राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2016 में बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। वहीं मंगलवार का दिन बीजेपी के लिए खासा भारी रहा। यूपी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद 3 और विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी है। इनमें बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाजापुर की तिलहर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा और कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर शामिल हैं। खबर के मुताबिक
इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी को छोड़ा। बीजेपी को प्रदेश में चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। एक और जहां कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं तीन विधायकों ने भी मौर्य के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी भाजपा के दो और कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, जिनमें मंत्री धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान का नाम भी सुर्खियों में आ रहा है। चुनाव से पहले दल बदल का खेल कोई नया खेल नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा को लगे झटके कभी कुछ कह रहे हैं तो वहीं पर अब जब भाजपा की दिल्ली में बैठक चल रही है, साथ ही डोर टू डोर प्रचार भी अब शुरू हो चुका है। ऐसे में यूपी भाजपा का मंत्री का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सोलह में बसपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं तमाम तरह के कयास भी लगने लगे हैं। हालांकि कयासों का दौर ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख से मुलाकात कर सभी कयासों पर विराम लगा दिया। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति के लिए दो दिन और आप इंतजार करिए। पर्चा दाखिला 14 से शुरू हो रहा है, 14 को मैं धमाका करूंगा। बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बैठ चीट के बातचीत कर लेनी चाहिए थी, अब वो समय निकल गया। जब मुझे बात करने की आवश्यकता थी तो हमारे पार्टी के नेताओं को समय नहीं था, और जब पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समय नहीं है। आगे 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 रणनीति 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को नतीजा क्या होगा? 10 मार्च को नतीजा क्या होगा, क्या नतीजा? क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि हम 325 तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जब इधर आ गए तो कुछ ना कुछ पलटवार बड़ा होने वाला। अब 2017 के पहले 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेली है, अब फिर इनको एक लंबे वनवास में जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। सबसे पहले और साफ तौर पर कि अब वनवास के लिए बीजेपी एक बार फिर से तैयार रहे। 2017 के पहले 14 साल का वनवास था और अब एक बार फिर से वनवास बीजेपी को झेलना पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद तीन विधायकों ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें से एक कानपुर की बिल्हौर सीट से विधायक भगवती सागर हैं। भगवती सागर ने इस्तीफा देने के बाद प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बात की, तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है भगवती प्रसाद ने। कानपुर के बिल्लारी सीट से चार बार के विधायक भगवती प्रसाद, जो कि आज भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आप आज सपा का दामन थाम रहे हैं? ऐसा है, पहले आप समझ लीजिए कि आप, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहा हूँ, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग और मुख्य सचेतक विधानमंडल दल का। 3 बार मैं स्वतंत्र प्रभार का मंत्री रहा हूँ और पहले बार राजमंत्री बना था। तो मैं 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार मैं विधायक रहा हूँ। पहले बार भोगनीपुर से विधायक रहा, दूसरी बार बिल्लौर से रहा और तीसरी बार कानपुर से 300 किलोमीटर दूर बिल्लौर से मऊरानीपुर झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में मुझे भेजा गया, और ऐसी जगह भेजा जाता था जहां कभी खाता नहीं खुलता था, वहां पर मैंने खाता खोला, और बिल्लौर में भी भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, वहां पर भी हमने पिछले चुनाव में वहां पर 25,000 वोट मिला था उनको, और जब हम वहां से चुनाव लड़े तो 1,02,000 वोट हम लोगों ने हासिल किए। कितने विधायक और मंत्री आज सपा का दामन थाम रहे हैं, ये अभी आपको थोड़े समय में मालूम हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट
पोजीशन एक दो दिन में मालूम हो गई। राम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर सिर्फ सपा चलती थी, अब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाहिनी अलग बना दिए और वो हर महापुरुषों की जयंती मनाने लगे और उनका कंसेप्ट अखिलेश जी का क्लियर हो गया है और वो ऐसा लग रहा है कि वो इस देश के स्वर्णिम भारत बनाने में और जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को न्याय दिलाने में ऐसा लग रहा है कि वो आदमी सक्षम साबित होगा। इसीलिए हम लोग बहुत सोच विचार करके मंथन कर रहे हैं और हम लोग अभी बैठक करेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। मेरे साथ मौजूद थे कानपुर के बिल्लौर से विधायक भगवती प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अखिलेश यादव का नया सपा है उसमें स्वर्णिम भारत का रचयिता किया जाएगा, उसे रचना की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बात की। बातचीत में उन्होंने यूपी चुनाव पर पार्टी की रणनीति के बारे में बताया। इस दौरान ओपी राजभर ने बीजेपी पर तीखे वार किए और कहा कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बार का ये चुनाव कहीं ना कहीं रैलियों से होता हुआ नहीं गुजरेगा। डिजिटल रैलियां होंगी, डिजिटल संबोधन होगा और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं और उन्हीं में से एक है SBSP। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, सरकार से नाराज हुए, उसके बाद वो अलग हो गए और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ओपी राजभर जी खुद मौजूद हैं। सर, चुनावों की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास तो पूरा अमला है डिजिटल को लेकर, डिजिटल रैलियों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हम लोकसभा चुनाव के बाद हम फिजिकल रैली से तैयारी कर चुके हैं और वर्चुअल रैली देखना हो तो पार्क रोड पर चले जाइएगा। हमारे सब 2 साल से ITCL के लोग काम करते हैं और पूरे जिले में हम लोगों ने अपना सेटअप बैठा रखा है और जनता को जो बताना चाहिए, हम लोग जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर कराएंगे। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करेंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करने की तैयारी होगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, जो योगी और मोदी जी के ललका साढ़ हैं जिससे किसान परेशान हैं, तो किसान को निजात दिलाना है। नहीं तो योगी जी और मोदी जी के ललका साड़ कैसे? पिछली सरकारें भी थी, अगर अखिलेश जी के राज में इतने साड़ थे, बोलिए तो मतलब योगी जी ले आए हैं क्या उनको? तब कौन ले आया है? योगी और मोदी के राज में नहीं साड़ पैदा हुए थे ना, पहले तो साड़ होते थे, बनारस में साड़ होता था, उसका नाम बनारसी साड़ होता था, ठीक है, बनारस में साढ़ होते थे तो उसको लोग बनारसी साढ़ कहते थे। तो अब तो योगी जी और मोदी जी के राज में ये साढ़ आए हैं तो यही से उनको हम ललका साढ़ कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से नेता नाराज हैं, कुछ ने आपसे मुलाकात की है, दयाशंकर सिंह के बारे में भी आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज घर घर जाकर के अभियान शुरू कर दिया है, वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि भैया कितना काम हुआ है, योजना वोजना मिल रही कि नहीं मिल रही, संतुष्ट हो कि नहीं हो। अभी आपको दिखाया ना, ये देखिए इधर टिकट, टिकट के चक्कर में, टिकट के लिए पति पत्नी आमने सामने हैं, ठीक है, वहाँ झगड़ा किए, भाग के हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा। कि हमको सरोजनी नगर से लड़ा दीजिए, चाहे अपनी पार्टी से चाहे सपा से। तो हमने कहा भाई बलिया लड़ो, कहा नहीं यहीं लड़ेंगे, तो हमने कहा ठीक है बात करके बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तो 1.5 दर्जन मंत्री, आप यही रात को आइए 9-10 बजे हमारे यहाँ रहिए, बनेगा खाना खाया जाएगा,
12 बजे से 2 बजे तक देखिएगा कितनी गाड़ियां आती हैं जाती हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मंत्री जी लोग ऐसे गाड़ी में चलो ना, ये स्थिति मतलब सब छुप छुपा के आ रहे हैं और कहा कोई लखा नहीं। 12 बजे तक सोच ही जाता, अब ऐसा गाड़ी से ही है कि जैसे लगी कि एकदम पुरानी गाड़ी कोई धकेल के लेके अच्छा ये योगी जी कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है, सारे मंत्री कह रहे हैं बहुत सारा काम किया, कोनो फर्क पड़ी इसे? आप लखनऊ में रहते हैं ना, पूरे लखनऊ में एक इनका काम बता दीजिए, अगर कहीं मच्छर मार के भी दूहा बनाए हों, मच्छर मार के गड्ढा खोन के पाट दिए हों और उसका एक मजारा बना दिए हों, कहीं दिखता है लखनऊ में? अखिलेश जी का दिखता है, आप 1090 पर खड़ा होइए तो रिवर फ्रंट दिखता है, आप विधानसभा के सामने खड़ा होइए लोक भवन दिखता है, डीजी ऑफिस चले जाइए तो अखिलेश का काम दिखता है, मेट्रो जो ये ताल ठोकते हैं तो अखिलेश जी उद्घाटन करके तब गए थे, ठीक है, मायावती का काम दिखता है, कांग्रेस का काम दिखता है, ये लोग का कौन काम है बताइए? एक काम लखनऊ में दिखा दीजिए हमको, भाई शहर है ना, इनका दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो नहीं दिखता है, इनका दिखता का है? वो कह तो रहे हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बनवा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया जाए। ये काहे लोग अपना बताते हैं कि हमने किया, हमने किया। दुनिया में झूठ बोले वाला नेता अगर कोई एक नंबर का हो तो उसका नाम हो माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का जुमला बोलने का एक नंबर कोई है तो अमित शाह जी। तीनों को सुन लीजिए। मोदी जी ने नारा दिया जनता के बीच में कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज बेच दिया ना। 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, कम हुई महंगाई? 2 करोड़ रोजगार दिए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया। अब दूसरे का सुन लीजिए, दूसरे वाले का, ये हरिश्चंद्र की औलाद है योगी जी, कहते हैं ना बहुत ईमानदार हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन योगी जी ने लूटा, योगी जी ने लूटा। और पहले तो कहते थे कि बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती की है, लेकिन जब बच्चे यहाँ आना शुरू हुए कि हमारा हिस्सा लूटा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बच्चे गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो जांच में मिला कि 27% रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ है, तब आंदोलन शुरू किया बच्चों ने। यहीं लखनऊ में युगो गार्डन में धरना देते थे, योगी जी पुलिस से पिटवाते थे। लेकिन आपके लिए एक और बड़ी खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस्तीफा दे दिए। तो बात तो खुली गई, सुनने में आ रहा है कि सपा ज्वाइन करने वाले हैं। 100% सही है, तो ये बात आप लोगों को बता रहे हैं, अभी का देख रहे हैं, मतलब डीलिंग आपकी लगभग प्रॉपर चल रही है। और कौन कौन से नाम है? अब देखते जाइए कि कल किसका इस्तीफा होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का बुरा दिन चल रहा है, जिस दिन उन्होंने तालाब को समुद्र समझ लिया, समुद्र को तालाब समझ लिया, उसी दिन उनका विनाश का दरवाजा खुल गया। अच्छा, ये कुछ छोटे दल अपने साथ भी लेके आए हैं, कुछ शोषित समाज पार्टी है, कुछ अलग अलग पार्टियां हैं, वो सब पहले आपके साथ थे लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम आपसे छल गए हैं, इस वजह से हम बीजेपी के साथ चले गए हैं। कुछ बाबूलाल राजभर हैं उसमें, कुछ इस तरह के नाम हैं। 12 पार्टी हैं, और कुल झोरा वाली पार्टी है, झोला में फटे चलाते हैं। उस दिन स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम बरहो मिल के रखे, कहां जानते हैं? बांसडी बलिया में। एक गाना गाने वाली को वहां बुलाए, इनका कार्यक्रम था। लखनऊ से बलिया तक सिक्योरिटी लग गई, जब पता लगा कि वहां भीड़ नहीं है तो स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फिर वहां भेजे गए बेचारे प्रभारी मंत्री राजभर जी, अभी गए तो वहां नाच हो रहा था, कोई डांसर नाच रही थी, 12 साल 10 साल 14 साल के लड़के अपना हसन हुसैन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। उसी बीच
माइक पर अनाउंस होता है कि मंत्री जी आइए अपनी बात रखिए, मंत्री जी खड़ा होते हैं बेचारे। 12 पार्टियों की मीटिंग थी और मंत्री जी खड़ा होते हैं, संबोधन नहीं पूरा हुआ तब तक हुड़दंगई बच्चे शुरू कर दिए, खबरदार हम लोग नाच देख रहे आए हैं कि हम भाषण सुनने, बंद करा दिया भाषण। माइक पर ही मंत्री जी बोलने लगे कि हमको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, क्यों बुलाया था यहाँ, और उसके बाद गाना चालू। और मजे की बात, हम आपको दिखा दें वीडियो, स्वतंत्र देव पटेल के तमाम वहाँ होर्डिंगें लगी थी, महिलाएं कपार पर लेके जा रहे थे। जब किसी ने पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कहा जौन योगी मोदी का सणवा वही के आड़ करो। दिखा दें अभी हम वीडियो, यही तो इनकी झोरा वाली पार्टी है, उसी पर नाच कसते हैं। क्यों इस्तीफा दे दिया, जब भी तो आप बता रहे हैं इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया? आपके हिसाब से फाइनल रिजल्ट क्या होगा 10 तारीख? फाइनल 10 तारीख को 10 बजे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हो जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे ओपी राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हवा जो है वो पलटने वाली है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ उलट पलट रहा है। अब से थोड़ी देर पहले खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पुराने बसपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी देखना है हमें। लेकिन इस चुनावी लड़ाई में लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी कमर कसी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। यूपी में इस वक्त सियासी उठापटक तेज है, दल बदल की राजनीति चरम पर है, मंत्री हो या विधायक सभी फायदे की रोटियां सेकना चाह रहे हैं। कभी बसपा के थे तो कभी बीजेपी को अपना माना, अब सपा की साइकिल रास आ गई। तो देखना यह है कि सूबे की रण में भाजपा और सपा में किसको सत्ता का सुख मिलता है और किस दल को 5 साल का वनवास। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। यूपी में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएगा, तो वहीं चुनाव से पहले जहां दिल्ली में बीजेपी बैठक कर रही है, तो इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटके पर झटके लगे हैं। आखिर क्या वजह है कि चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और सपा का दामन थाम लिया। देखिए रिपोर्ट। सूबे की सियासत में मंगलवार का दिन ठंड के मौसम में भी खासा गर्म रहा। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और सपा की साइकिल पर सवार हो गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। फिलहाल चुनाव से ठीक पहले मौर्य का सपा में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं सपा के लिए फायदेमंद। अब ये देखना अहम होगा कि बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती है और 22 के रण के लिए क्या रणनीति तैयार करती है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो इस वक्त मैदान सज चुका है, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में अब नजदीक आ चुका है। ऐसे में रिजल्ट जो है वो तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में और क्या क्या उठापटक देखने को मिलती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।